राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने के मामले में विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया। रोहित बोहरा ने युवा मित्रों की बात रखते हुए कहा कि बीजेपी ने युवा मित्रों को इसलिए हटाया क्योंकि इनके नाम से पहले राजीव गांधी लगा हुआ था। इन्हें राजीव गांधी के नाम से मिर्ची लगी है। रोहित बोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, जो नहीं मिले। उल्टा जिन 5,000 लोगों को कांग्रेस ने रोजगार दिया था, उन्हें हटा दिया। प्रधानमंत्री का नाम लेने पर मंत्री जोगाराम पटेल और रोहित बोहरा के बीच तीखी बहस हो गई। रोहित बोहरा ने कहा कि आप मंत्री होंगे लेकिन आपको बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। इस पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। वही बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने पहला आदेश 5,000 लोगों को बेरोजगार करने का निकाला। बीएपी विधायक राजकुमार रोत ने कहा कि कई मंत्रियों ने कहा कि ये लोग कांग्रेस कार्यकर्ता थे, इसलिए इन्हें हटा दिया। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से जवाब दिलाने की मांग की। आज पहला ही डे है, आज जो मुद्दे हैं स्थगन हमने लगाए हैं, राजीव गांधी युवा मित्रों पे हैं, बेरोजगारों पे हैं, जो धरने चल रहे उन पे हैं, आज इन सब पे सदन के अंदर चर्चा करेंगे। सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। क्वेश्चन लगे, आज पहला क्वेश्चन डे है, हमारे क्वेश्चन लगे हमारे लोगों के, उनके जवाब सरकार सही नहीं देगी तो उस पर हम एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे हमारी तरफ से। सदन अभिभाषण जिस प्रकार से राज्यपाल महोदय से पढ़वाया गया है उस पे आज से बहस शुरू होगी, उसका जवाब देंगे हम। जो जो पॉइंटों पे जो तथ्य पेश किए गए हैं उसके हम सदन के अंदर लेके आएंगे। और चलिए सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, आज के ओवरऑल कार्रवाई को लेकर अपडेट चाहेंगे, क्या हाइलाइट्स रहे, कौन से मुद्दे रहे जिस पर, क्योंकि बहस भी हुई, बात रखी गई और हंगामा भी देखने को मिला था। देखिए श्वेता, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आज की जो कार्रवाई थी उसकी सभी को प्रतीक्षा थी। सबसे जो चर्चाओं में ज्यादा रहा वो मुद्दा रहा पेपर लीक का। हनुमान बेनीवाल का जो सवाल था वो अच्छा सवाल था, लेकिन इस सवाल को लेकर विवाद भी बढ़ा और नोकझोंक भी काफी हुई। ऐसा नहीं कि हनुमान बेनीवाल अकेले, गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर भी नोकझोंक हुई, डोटासरा भी बीच में बोले। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह हो जाती है कि इस विषय को लेकर जो चर्चाएं थी कि आखिरकार विपक्ष का कहना है कि आखिरकार, जिनमें हनुमान बेनीवाल ने यही प्रश्न उठाया कि आरपीएससी को भंग कब करोगे, और जो सीबीआई है, सीबीआई वाली बात जो कह रहे थे उसका क्या होगा। तो ये मुद्दा लगातार चर्चाओं में रहा। इसके जो प्रश्नोत्तर का, प्रश्नों का जो दौर चलता है उसमें पेपर लीक को लेकर लगातार, लेकिन यहां पर संजय शर्मा ने चुटकी लेते हुए नाथी का बाड़ा शब्द का प्रयोग किया, उस दौरान भी हंगामा हुआ कि नाथी का बाड़ा पेपर को लीक को लेकर कुछ इस तरीके से बोला, इसको लेकर भी यहां पर हंगामा हुआ। और विधानसभा की कार्रवाई में आज का दिन है, अगर हम शुरुआत करें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष है तो वासुदेव देवनानी ने अपनी कार्यक्षमता के अनुसार अच्छे से अच्छे, विधानसभा का प्रश्नकाल था इसलिए आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है, तो अच्छे से अच्छे तरीके से चलाने के पूरे प्रयास किए। हालांकि उनके सामने प्रश्न ये था कि आखिरकार कितनी तल्खी दिखाए, तल्खी उन्होंने काफी दिखाई, काफी गुस्सा भी किया क्योंकि कुछ विधायक थे वो डिसिप्लिन तोड़ते उनको नजर आ रहे थे, डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे थे, उनको गुस्सा भी आया कि मैं आसन जब पैर पर खड़ा है और आप इस तरीके की बातें कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा बातों बातों में कई बातों को लेकर चुटकी ले गए। गोविंद सिंह डोटासरा ने जब बोल रहे थे राज्यपाल के अभिभाषण पर तो कई बातें ऐसे कही, वो एक तो पर्ची की सरकार लगातार बोलते हैं तो उस विषय पर उन्होंने राज्य सरकार को घेरा। एक उन्होंने कहा कि मंत्री हैं या कई मंत्री हैं वो अपने ऐसे नहीं लगा पा रहे, इसके लिए वो हमसे कहते हैं कि आप ये मुद्दा उठाओ, तो हम ये मुद्दा उठाते हैं कि मंत्रियों को ऐसे बनाने का भी अधिकार नहीं है, तो ये भी मुद्दा उन्होंने उठाया। 50 दिन हो गए आरपीएससी को भंग कर दिया गया है, या नहीं ये भी उन्होंने पूछा। तो इस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा लगातार बोलते रहे कई मुद्दों के आधार पर। तो टीकाराम जूली भी बतौर नेता प्रतिपक्ष, आज का दिन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट था, तो आज के दिन में टीकाराम जूली ने भी कोशिश की अच्छी तरीके से। यहाँ पर एक विषय को लेकर मदन दिलावर की प्रशंसा भी हुई, हालांकि हो सकता है कि
एक धड़े ने प्रशंसा की हो, इतने नहीं भी की हो, लेकिन सामान्य तौर पर जो नेताओं का जो मिजाज होता है, नेताओं का जो प्रकृति होती है, उसमें अवश्य तारीफ हुई है। दोनों पार्टियों को भी एक नसीहत सी मिली है, क्योंकि एक मुद्दा उठाया जब मदन दिलावर ने राजकुमार रावत डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति चीखली का मुद्दा उठाया था, तो उस चीखली के मुद्दे को लेकर तुरंत दो अधिकारियों को निलंबित किया उन्होंने, एक तो बीडीओ को निलंबित किया। उनका कहना था कि 26 बार तबादले एक पंचायत समिति में बीडीओ के हो जाते, 26 ट्रांसफर हो गए और 3 बार एक ही आ जाता है, और इस पूरे मामले पर चार्जशीट भी दी जा चुकी है, ये बात भी उन्होंने कही। तो चंद्रभान आख्या ने, और एक बड़ा जोरदार प्रकरण था वो था चंद्रभान आख्या और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। चंद्रभान आख्या का कहना था कि उनको राज्यवर्धन सिंह संतुष्टि पूर्वक उत्तर नहीं दे पाए। चंद्रभान आख्या का सवाल था कि बेरोजगारी भत्ता देने की योजना क्या चालू की है या नहीं की है, वर्तमान में कितने बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा है, और यदि दिया जा रहा है तो विधानसभा वार आप जानकारी दे दीजिए। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने युवा संबल योजना को लेकर बात कही और उन्होंने कहा कि वर्तमान में 1,86,656 युवाओं को, पुरुषार्थियों का उन्होंने जिक्र किया। आर आख्या ने फिर पूरक सवाल कर दिया कि चित्तौड़गढ़ में 3106 आवेदन थे, इनमें से 600 से अधिक को भत्ता मिल रहा है, इस तरीके की बातें हुई, लेकिन यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं देने की बात कही गई। टीकाराम जूली ने भी इस दौरान, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी सवाल किया, तो उनका भी ये कहना था कि हमको जवाब नहीं मिला, सवाल का जवाब नहीं मिला। और राजीव गांधी युवा मित्रों के मामले पर कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया, इस मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया। अनिता बघेल ने जब शुरुआत की राज्यपाल के अभिभाषण, अनिता बघेल की शुरुआती दौर में ही नोक झोंक का दौर शुरू हो गया, क्योंकि अनिता बघेल ने तुष्टीकरण जैसे आरोप कांग्रेस पर लगा डाले। तो आज की सदन की कार्रवाई बेहतरीन तो नहीं लेकिन बेहतर कही जा सकती है। वासुदेव देवनानी ने अच्छे से आज सदन चलाने के पूरे प्रयास किए। बस थोड़ा सा यदि मैं यहाँ पर आखिर में जो आप जिक्र करूंगा तो वो ये कि राजेंद्र राठौड़, घनश्याम तिवाड़ी, राव राजेंद्र सिंह, रामलाल शर्मा, सतीश पूनिया, हालांकि वो पहली बार जीते थे पिछली बार, इस तरीके के नेताओं की कमी भी खली। और महत्वपूर्ण बात यह कि सबसे ज्यादा अगर कमी खली तो भले तो राजेंद्र राठौड़ की कमी यहाँ पर खली। राजेंद्र राठौड़ जब सदन में होते थे तो संसदीय कार्य मंत्री के बतौर या नेता प्रतिपक्ष या उपनेता प्रतिपक्ष के बतौर तो पूरे सदन को बांधने का काम करते थे, क्योंकि सदन के नेता सत्ता पक्ष के कुछ पुराने चेहरे नजर नहीं आए, बहुत सारे नए चेहरे नजर आए, यानी नया सा ये आज का कार्रवाई का दौर रहा, जहां सख्ती भी नजर आई, हंगामा भी हुआ, सवाल भी उठे और एक दूसरे पर प्रहार भी किए गए। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका इस पूरी बातचीत के लिए।